भारत सरकार की दिव्यांगों की मदद करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना के तहत बुधवार के दिन जनपद परिसर बागली में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीमा कमल यादव, विधायक प्रतिनिधि कमल यादव, CEO प्रभांशु कुमार सिंह की उपस्थिति में शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान बागली विकास खंड अंतर्गत 785 हितग्राहियों आवश्यकता के अनुसार उपकरण दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि बागली क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण वितरण किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी सम्मिलित है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक गाड़ी मिली, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम प्रयास कर रहे थे कि हमें ऐसी साइकिल मिले और ताकि हमें आसानी हो घूमने फिरने में। और बहुत दिनों के क्या हम साइकिल से घूमते थे, तो हमको लगता था कि दूसरे को देख कर यार हमें भी ऐसी साइकिल मिले, और आज साइकिल मिली और हमें बहुत खुशी लग रही है। पहले क्या परेशानी आ रही थी? और पहले क्या है कि जैसा हाथ की साइकिल थी तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती, हाथ भी दर्द होने लगता था, जैसे दूर ज़्यादा दूर नहीं चल पाते थे, और इससे क्या हम अभी आसानी से दूर भी जा सकते हैं। आज बागली ब्लॉक में सामाजिक न्याय विभाग एवं शासन की योजना के तहत लगभग 785 उपकरण बागली और उदयनगर तहसील को मिलाकर दिए गए, जो करीब 50 लाख की के उपकरण हैं। इसमें स्वचालित बैटरी से भी चलने वाले थ्री व्हीलर हैं, हाथ से चलने वाले भी थ्री व्हीलर हैं, और दिव्यांग और सुनाई कान की मशीन भी उसके साथ दी गई है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के जिन लोगों का जांच की थी उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और लगभग हमारे क्षेत्र के 80% लोगों को ये सामग्री दी जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।